बाबा डॉक्टर जाकर नायक से रिश्ता गया, नारे तकबीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादु बिल्लति अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसन कौला मिम्मन दुआ इला अल्लाह व अमल सालिहा وقال ان ابن المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर फैसलाबाद में है और इस तकरीर का मौजू है दावा के तरीके। दावा या दावत का मतलब चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी नहीं, दावत का मतलब है एन इनविटेशन, किसी को बुलाना। और इनविटेशन सिर्फ एक आउटसाइडर, एक बाहर के इंसान को दी जा सकती है। तो जब भी आप इस्लाम की दावत किसी गैर मुस्लिम को देते हैं, उसे इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, उसे कहते हैं दावा। और जब हम मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, उसका सही लफ्ज है इस्लाह, टू रिपेयर, टू इम्प्रूव। दावा हर मुसलमान के लिए फर्ज है और दावा करने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले बात, आप गैर मुसलमानों के गलत फहमी को दूर करो, उसके बाद हजार के बदले सौ या पचास भी अच्छाइयां पेश करेंगे इस्लाम के बारे में, वो गैर मुसलमान उसको खुले जहन से सुनेगा और हाई चांसेस है क्या उसको एक्सेप्ट करेगा। आज की इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैला रही है। ये हर मुसलमान का फर्ज है क्या ये गलत फहमियां को दूर करे। 20 साल पहले, 25 साल पहले नंबर वन गलत फहमी थी इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों है, नंबर वन था, टॉप ऑफ द चार्ट्स। लेकिन 9/11 के बाद जब ट्विन टावर पे अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद टॉप ऑफ द चार्ट्स चेंज हो गया। अभी नंबर वन गलत फहमी है जिहाद के बारे में, नंबर दो इस्लाम एक दहशत गर्द का मजहब है, नंबर तीन मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, टेररिस्ट है, नंबर चार इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, नंबर पांच इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है, छठा अगर मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है तो इस्लाम में खवातीन को एक से ज्यादा मर्द से शादी करने की इजाजत क्यों नहीं है, सात इस्लाम खवातीन को हिजाब में रख के जलील क्यों करता है, नंबर आठ अगर इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते हैं, नंबर नौ अगर इस्लाम सारे आलम के लिए है तो गैर मुस्लिम को मक्का जाने की इजाजत क्यों नहीं है, नंबर दस इस्लाम में गोश्त खाने की इजाजत क्यों है, नॉनवेज क्यों खाते हैं जब आप जानवरों का कत्ल क्यों करते हैं। और इस तरीके से 20 सवालात है, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, मेरी तकरीर है और इन सारे सवालात का जवाब है। किताब भी मौजूद है, अंग्रेजी में है, उर्दू में है, अरबी में है। और ये तकरीर अंग्रेजी और उर्दू में आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी।